हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ। पाम फिशिंग का शिकार करेंगे। मैंने ताजा झींगा लाया है, जिसके लिए हम हुक बाइट में झींगे का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये बाम के लिए बहुत बेस्ट होता है, और ज्यादा से ज्यादा छोटा हुक इस्तेमाल करें, ताकि बाम का मुंह छोटा रहता है तो वो आसानी से मुंह में ले सके, और इससे आपका शिकार बहुत तेजी से होगा। बड़ा अगर हुक लगा लिए तो बाम का शिकार नहीं होगा। कभी भी ऐसा वाला हुक ले, छोटा वाला। क्लियर आवे छे। ये फर्स्ट स्टार्टिंग हो चुका है बाम का। अरे काफी शानदार है एकदम। चलो संभालना मुश्किल हो रहा है, इतना मतलब अभी तेजी से शिकार हो रहा है, और अभी तो एक छूट गया है, अच्छा खासा लेके गया था वो। काटने का चल गला। इतना बड़ा बाम है, इतना है। वाह, जवाब नग है ये भी। मजा आ रहा है शिकार करने को। आज मौसम भी साथ दे रहा है, इसके लिए और अच्छा लग रहा है। Okay.
अरे 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 वाह, मतलब आराम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। एक के बाद एक चालू है। इसको लगा लेता हूँ फिर उसको निकालूंगा। लेवर चालू रहा, लेवर बनता। ले रहे हैं तो एक दूसरे जैसे जैसे धूप बढ़ रहा है और गर्मी थोड़ा कम हो गया अचानक। ज्यादा गर्म अगर हो जाए मौसम तो इसका चारा कम हो जाता है, मछली शिकार बहुत कम होने लगता है। अभी सुबह सुबह ठंडे का समय था तो बहुत अच्छा चांस मिला है, हालांकि हो रहा है शिकार लेकिन थोड़ा देर से हो रहा है। टाइम है अभी अपने पास क्योंकि धूप छांव चालू है तो शिकार करेंगे अभी कुछ देर और। ये अभी बारीक बारीक शिकार होने लगा है। अभी ये वाला कैसे दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा शिकार रहा है और देखो इतना सारा मैंने बाम पकड़ लिया है। अब उम्मीद है कि अब समय ज़्यादा हो चुका है और गर्मी का भी मौसम है तो अभी निकलते हैं। अब नेक्स्ट टाइम फिर अगर समय मिला तो हम आके यहाँ पे शिकार करेंगे और देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करते जाएँ और नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।